2 अक्टूबर से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले आईसीसी ने क्रिकेट के कुछ नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों की चर्चा करने वाले हैं। आईसीसी इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू करेगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वर्ल्ड कप इन्हीं नियमों के आधार पर खेला जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बदलाव के बाद क्या कहते हैं नए नियम। कैच आउट नियम। इस नियम के तहत जब भी कोई बल्लेबाज कैच आउट होगा तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर ही खेलने आएगा। आउट होने वाले प्लेयर के क्रीज बदलने या नहीं बदलने से इस चीज पर कोई असर नहीं होगा। इससे पहले नियम था कि अगर बल्लेबाज कैच आउट होने से पहले स्ट्राइक चेंज करता है तो नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आता था, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। लार पर परमानेंट बैन। क्रिकेट मैच के दौरान किसी भी तरह से गेंद पर स्लाइवा यानी थूक के इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगा दी गई है। थूक का इस्तेमाल खिलाड़ी गेंद की चमक को बरकरार रखने के लिए किया करते हैं, लेकिन अब सिर्फ पसीने का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले कोरोना महामारी के चलते क्रिकेट को बंद किया गया था। जब दोबारा खेल शुरू हुआ तब लार के इस्तेमाल को अस्थायी तौर पर बैन कर दिया गया था, मगर अब लार को परमानेंट बैन कर दिया गया है। स्ट्राइक लेने का टाइम तय किया गया। जब कोई खिलाड़ी आउट होता है और नया प्लेयर स्ट्राइक पर आता है तो उसे टेस्ट और वनडे में 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर आना होगा। पहले इसके लिए 3 मिनट का समय होता था। टी20 इंटरनेशनल में ये समय 90 सेकंड का निर्धारित किया गया है। अगर नया बल्लेबाज टाइम पर नहीं आता है तो फील्डिंग टीम का कप्तान टाइम आउट की अपील कर सकता है, और जिसके चलते नए बल्लेबाज को अंपायर द्वारा आउट दिया जा सकता है। स्ट्राइकर के बॉल खेलने का अधिकार। अगर गेंद पिच से बाहर गिरती है तो नए नियम के तहत बल्लेबाज के बल्ले का कुछ हिस्सा या उसके पिच के भीतर रहने पर उसे गेंद को खेलने का अधिकार होगा। उसके बाहर जाने पर अंपायर डेड गेंद का इशारा करेंगे। अब बल्लेबाज को पिच छोड़ने के लिए मजबूर करने वाली कोई भी गेंद नो बॉल होगी। नॉन स्ट्राइकर का रन आउट होना। अगर कोई बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक से गेंदबाज के बॉल डालने से पहले क्रीज से बाहर निकलता है तो ऐसे में अगर गेंदबाज उसे रन आउट करता है तो इससे पहले अनफेयर प्ले माना जाता था, लेकिन अब इसे रन आउट ही कहा जाएगा। फील्डिंग टीम की तरफ से गलत व्यवहार। अगर बॉलर गेंदबाजी के दौरान कोई गलत व्यवहार या जानबूझकर कुछ गलत मूवमेंट करता है तो अंपायर इस पर एक्शन ले सकता है। इतना ही नहीं, बॉल पर पेनल्टी लगाते हुए बैटिंग टीम के खाते में 5 रन भी जोड़ सकता है। इसके अलावा अंपायर इसे डेड बॉल भी करार देगा। डिलीवरी से पहले स्ट्राइकर की ओर बॉल थ्रो। पहले नियम था कि अगर कोई बल्लेबाज गेंद खेलने से पहले ही क्रीज से बाहर आ जाता है तो गेंदबाज बॉल थ्रो करके उसे रन आउट कर सकता था, लेकिन अब ये नियम हटा दिया गया है। ऐसा करने पर वो गेंद नो बॉल करार दी जाएगी। इन मैच पेनल्टी नियम। जनवरी 2022 को टी20 इंटरनेशनल में लागू किया गया इन मैच पेनल्टी नियम अब वनडे फॉर्मेट में भी अपनाया जाएगा। ये नियम 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के खत्म होने के बाद लागू होगा। इस नियम के अनुसार गेंदबाजी करने वाली टीम को निश्चित समय के अंदर अपना आखिरी ओवर शुरू करना होता है। अगर तय समय पर कोई टीम अपना आखिरी ओवर नहीं शुरू कर पाती है तो उस समय सीमा के बाद जितने भी ओवर होते हैं उनसे एक फील्डर बाउंड्री से हटाकर 30 गज के दायरे के अंदर रखना पड़ता है। इससे बल्लेबाजों को मदद मिलती है। इसे ही इन मैच पेनल्टी नियम कहते हैं। इन नियमों को बनाने की बात करें तो आमतौर पर MCC यानी मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब सिर्फ सुधारों की सिफारिश करती है और उन्हें अपनाना है या नहीं इसका फैसला ICC करती है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर देखा गया है कि MCC की ओर से सुझाए गए सुधारों को ICC बिना किसी बदलाव के साथ अपना लेती है। अब नए नियमों के साथ क्रिकेट खेला जाएगा, लिहाजा इससे खेल का प्रारूप बदला जाना तय है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर अपनी राय दे, और चैनल स्पोर्ट्स चीटी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।